12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बरामदे में थे। तीनों स्त्रियां कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों का संदूक निकाला और ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। कई महीने पहले वह इसी तरह कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की पीड़ा थी, आज कांटा निकालने की है। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा है। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर साहब की खाट के नीचे संदूक रख दिया। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से बंद किया और घर को लौट पड़ा। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही प्रहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा संदूक मिल गया, एक चीज भी गुम नहीं हुई। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक अपनी आंखों से संदूक न देख ले। संदूक देखकर वह गंभीर भाव से बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों? प्रकाश, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे तो कभी विश्वास ही ना आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहां दावत होगी। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से लिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। प्रेमचंद।